नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में और कोरोना अपडेट के साथ मैं हूं निशा कश्यप। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 31,923 नए मामले सामने आए हैं। 282 लोगों की जान गई जबकि 31,990 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सक्रिय मामलों की संख्या में 349 की कमी आई है, जिसमें सक्रिय मामलों का आंकड़ा 301,640 के पार पहुंच गया है। इस समय केरल में सबसे ज्यादा 1,61,596 मामले सक्रिय हैं, वहीं महाराष्ट्र में 43,544, तमिलनाडु में 17,027, कर्नाटक में 15,638 मामले अभी सक्रिय हैं। देश में कोरोना वायरस के खात्मे को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच बुधवार शाम 7 बजे तक 64 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन का डोज लगाया जा चुका है। देर रात तक यह आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अब तक 83 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में सबसे कमजोर तबके को कोरोना से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है। वहीं नई जानकारी ये है कि भारत फाइजर बायोटेक और मोडर्ना से कोरोना वैक्सीन नहीं खरीदेगा। भारत सरकार ने अधिक किफायती और आसानी से स्टोर होने वाले घरेलू टीकों के उत्पादन में उछाल के मद्देनजर ये फैसला लिया है। ऐसे ही कोरोना अपडेट्स और लेटेस्ट जानकारी के लिए देखते रहें एचसीएन न्यूज और बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।